नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक के बाद एक लगातार कई सारे ऐसे फ्री इनिशिएटिव्स हम लोगों ने शुरू किए हैं, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी इनिशिएटिव्स हैं। इसी क्रम में हम लोग इस समय एक ऐसे नए इनिशिएटिव लेकर आए हैं, जिसको ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शुरू कर दिया है। 3 से 4 दिन हो भी गए हैं और उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसको प्रयोग करने के तरीके के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये इनिशिएटिव है हमारा कि हम लोग डेली बेसिस पर जितने भी महत्वपूर्ण अखबार होते हैं, हिंदी मीडियम में जो भी हमें महत्वपूर्ण अखबार देखने को मिलते हैं, उन सभी में जितने भी महत्वपूर्ण संपादकीय आते हैं, उन सभी संपादकीय की जितनी भी महत्वपूर्ण लाइनें, जितने भी महत्वपूर्ण उसमें पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आप लोगों को डेली बेसिस पर इसमें उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अक्सर जो है, आप देखिए कि इसकी अगर उपयोगिता की हम लोग बात करें तो ये डेली बेसिस पे अगर आप लोग इसको करते हैं, आप लोग अगर 4 से 6 महीने तक इसको आप अगर करते हैं, तो आपका ये न केवल जीएस जो मेन आंसर राइटिंग है उसमें ये आपकी हेल्प करेगा, स्पेशली अगर हम लोग बात करें एथिक्स का पेपर उसमें तो आपकी ये बहुत ही हेल्प करेगा। साथ ही जो आपका एक निबंध का पेपर, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो उसमें पूछा ही जाता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। उसके साथ ही अगर देखें तो आपका इंटरव्यू में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी अगर आप इन जो है मूल एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे तो उससे आपको निश्चित रूप में काफी लाभ मिलेगा। इंटरव्यू के लिए पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उन पर आप अपनी एक क्लियर और निष्पक्ष अप्रोच बना सकेंगे, जो कि बिना किसी भी व्याख्या के, बिना किसी अन्य के चश्मे के थ्रू आप देखेंगे, बल्कि अपने ही विवेक से उसका निर्णय करेंगे। उसका कारण ये है कि देखिए, मेरा ये मानना है, देखिए आप YouTube पे जाएंगे, आपको डेली बेसिस पे कई सारे ऐसे एडिटोरियल एनालिसिस के वीडियो मिलते हैं, चाहे आप वो मतलब किसी भी कोचिंग का देख लीजिए, उसमें कई बहुत अच्छे भी रहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा कोई भी है ही नहीं, कई सारे बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी हैं जो डेली बेसिस पे आपको जो भी हिंदू के या इंडियन एक्सप्रेस के जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं उनका वो लोग एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रखते हैं, साथ में उसमें कई सारे पॉइंट्स भी ऐड करते हैं। इसी प्रकार से कई एक उसमें मतलब ऐसे भी इनिशिएटिव, ऐसे भी वीडियोस रहते हैं जो कि केवल आप लोगों का टाइम इसी में वेस्ट करते रहते हैं कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो उसमें एक अच्छा खासा समय वो आपका बर्बाद कर देते हैं। कुल मिला के आप ये समझिए कि आप अगर 1 घंटे का वो आप जो है लगभग 30 से 40 मिनट का आप एडिटोरियल एनालिसिस सुनते हैं, तो उसमें आपको ये बात तो है कि आप जो है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एक एडिटोरियल से बेहतरीन तरीके से अवगत हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु आपकी उसमें ये मानिए कि जो यहाँ पर हम लोग आपको देने जा रहे हैं मूल एडिटोरियल, यानी कि जैसा वो पेपर में लिखा हुआ है सेम वैसा ही हम आपके सामने परोस रहे हैं, उसमें कोई भी मेरी व्याख्या नहीं शामिल है, कोई भी उसमें मेरी विचारधारा नहीं शामिल है, कोई भी उसमें मेरी भाषा नहीं शामिल है, जो कुछ है वो यहीं पे लिखा है, यही आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यही चीज आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप लोग देखते हैं कि ऐसे में आपको जो भाषा लिखनी है या फिर जो जीएस के लिए जो आंसर्स लिखने हैं या एथिक्स के लिए जैसी विचारधारा आपकी होनी चाहिए या इंटरव्यू के लिए आपका जैसा एक निष्पक्ष और बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, तो वो अप्रोच आपकी तभी डेवलप होगी जब आप डेली बेसिस पर विभिन्न जो न्यूज़पेपर हैं उनमें जो भी विभिन्न प्रकार के संपादकीय छपते हैं, उन सभी संपादकीय में अलग अलग तरह के विचारों का घात प्रतिघात जब आपके मन में होता है और उससे जो विचार आपका डेवलप होता है, उससे जो विचारों में आपके संतुलन और स्थायित्व डेवलप होता है, उसको जब आप देखेंगे, उससे जो आपकी विचारधारा एक बनती है, वो आपके इंटरव्यू में, आपके मेन आंसर राइटिंग में, आपके ऐसे में जबरदस्त तरीके से झलकेगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मूल एडिटोरियल जो है उसका महत्व कोई भी एडिटोरियल एनालिसिस नहीं ले सकता है। आप एडिटोरियल एनालिसिस सुनिए, उससे कोई दिक्कत मुझे नहीं है, आप उसमें 1 घंटा देना चाहें, 2 घंटा दें, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, पर जो हम लोग ये इनिशिएटिव देख रहे हैं उसको आप डेली बेसिस पे जरूर फॉलो कीजिए। उसका कारण ही यही है, मैंने आपको सारी बातें समझा दी है। अब यहां पर देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि आपको डेली बेसिस पर जितने भी महत्वपूर्ण अखबार है, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो,
जनसत्ता हो या बिजनेस स्टैंडर्ड हो या अन्य ऐसे जो भी अखबार हो, उन सभी को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। न केवल अखबार बल्कि योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन या अन्य किसी भी मैगजीन का हम लोग को जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल लगता है, उन सभी को हम लोग यहाँ पर आपको अंडरलाइंड वे में उपलब्ध कराते हैं। और अंडरलाइन करके देने का मकसद एक ये है, क्योंकि कई सारे बच्चों के पास इतना समय नहीं रहता, वो जीएस भी पढ़ना चाहते हैं और उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो पूरा एडिटोरियल पढ़ सकें। उन्हें तो लगता है कि एक ही पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप तो सारे पेपर ले आए हैं। तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए, हमेशा से हिंदी मीडियम वालों को एक बहुत शिकायत रही है, वो हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में जो है वो बहुत अच्छे अखबार हैं, जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसके जो एडिटोरियल या संपादकीय होते हैं वो आपके जो जीएस की परीक्षा होती है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या यूपीएससी या लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन सभी की परीक्षाओं में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु हिंदी मीडियम में कोई भी ऐसा स्तरीय अखबार नहीं है जिसके एडिटोरियल्स को वो निर्द्वंद रूप से बिना किसी संकोच के फॉलो कर सकें। तो उसी का तोड़ हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। जितने भी इंग्लिश के अखबार हैं, जो आपका हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, उसके जो भी एडिटोरियल्स आते हैं, उन सभी के बरक्स, उन सभी के समक्ष हम लोग ऐसे एडिटोरियल्स आपके लिए लेकर आए हैं जो कि 8 से 10 हिंदी के अखबारों का संकलन है। उनमें जितने भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल है, उन सभी का निचोड़ हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। अगर आपके पास समय है तो आइडियली तो आपको ये पूरा ही पढ़ना होगा, मुश्किल से आपका इसमें 20 मिनट जाएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं जाएगा। और ये सभी जो है डेली बेसिस पे हम लोग इसको अंडरलाइन इसलिए करके देते हैं ताकि आपके पास अगर इतना भी समय नहीं है कि आप इसको पूरा पढ़ें, या फिर मान लीजिए आपने 1-2 एडिटोरियल पढ़ा, तो कम से कम आप कुछ बाकी जो एडिटोरियल्स हैं उनके अंडरलाइंड बातें ही पढ़ लेंगे तो आपका वो काफ़ी हद तक जो हेल्प करेगा। क्योंकि हम लोग अंडरलाइंड किए हुए हैं तो आप देखेंगे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अंडरलाइन किए, मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं है। उसका एक धारणा ही यही है कि आप केवल अगर अंडरलाइंड वे में भी पढ़ेंगे तो भी आपका उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। हम लोग कोई जिस्ट नहीं कवर कर रहे हैं कि मतलब थीम को केवल पकड़ रहे हैं, बल्कि आपका पूरा वाक्य तक जो वाक्य है वो भी आपको वाक्य की संरचना भी समझ में आए, इस तरीके से उसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं। तो इस लिहाज से मेरा ये मानना है कि अगर आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे, आप कहीं से भी एडिटोरियल एनालिसिस सुन रहे हो उसको आप सुनिए ना सुनिए उससे मुझे मतलब नहीं है, वो सभी अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। मैं किसी भी की भी आलोचना करने का पक्षधर नहीं हूँ, परंतु मेरा ये मानना है कि आप लोगों को मूल एडिटोरियल की महत्ता जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि मूल एडिटोरियल का जो महत्व है वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी उसमें अपनी विचारधारा बनेगी, अपना एक स्वतंत्र चिंतन बनेगा जो आपके इंटरव्यू में, एग्जाम में, हर जगह वो झलकेगा। आपकी आपका जो लाइफ होगी उसमें भी उसका एक बेहतरीन रोल होगा, क्योंकि आप अपने आप को स्वतंत्र नजरिए से देख सकेंगे। जैसी कि एक कहावत है कि एक मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें किसी को गैर की नजरों से हम। मतलब हम अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपने चश्मे के हिसाब से हम अपनी विचारधारा बनाएंगे, किसी अन्य की व्याख्या को, किसी अन्य की बातों को हम नहीं सुनने वाले। हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो मेरा ये जो इनिशिएटिव है, उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और डेली बेसिस पे आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कई सारे अन्य इनिशिएटिव भी चल रहे हैं, जिसमें कि आप देख लीजिए RO/ARO की प्रिपरेशन हो या फिर BEO की या अपर PCS की प्रिपरेशन हो, उसमें ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिहाज से हम लोग कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे के लिहाज से डेली बेसिस पर हम लोग निबंध के लिए बहुत बेहतरीन कोटेशंस उपलब्ध कराते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध, विलोम शब्द, इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, विलोम शब्द हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ, पर्यायवाची हुआ, ये सभी पर आपकी जो BEO की परीक्षा है या फिर आपकी जो RO/ARO परीक्षा है या अपर PCS की परीक्षा है, ये सभी परीक्षाएं लगभग आने वाले साल में आपके जो अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक में ये सभी परीक्षाएं संभावित हैं। तो इन सभी परीक्षाओं का हम लोग यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कराते हैं, जिनके बारे में सूचना हमारे एक पूर्व में जो वीडियो डला हुआ है उसमें पहले ही दी जा चुकी है। सभी तैयारी डेली बेसिस पे होती है, साथ में इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारा जो है डेली बेसिस पर आप लोगों को एक प्रश्न दिया जाता है GS मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जो कि आपकी
खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप लोगों को पता होगा कि मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव ना हो करके वहां पर जीएस सब्जेक्टिव वे में पूछी जाती है, मतलब वहां पर आपको जीएस का आंसर लिखना होता है। तो इसमें आप लोग देखिए, हम लोग जीएस के तो सभी प्रश्नों को शामिल करते हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। उसका हम लोग जो है लोगों की जो कॉपियां आती हैं, बच्चों की कॉपियां आती हैं, उसको हम लोग चेक भी करते हैं, उसका ये सारी चीजें फ्री हो रही हैं, फ्री इवेल्युएशन भी करते हैं। तो उसके साथ ही हम लोग उसमें मॉडल आंसर भी उपलब्ध कराते हैं, जो कि मेरे द्वारा भी लिखा गया होता है, और कई बार वो जो हमारे ग्रुप में हमारे कई सारे ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी चयनित हैं, उन लोगों द्वारा भी वो लिखा हुआ रहता है, तो वह भी हम लोग आपको उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ देखिए कि जो हमारा ऐसे के वीकली ऐसे प्रोग्राम चलता है वो भी फ्री है, उसमें हम लोग आपको वीकली ऐसे का एक टॉपिक देते हैं और उसका एक प्रॉपर इवेल्युएशन, जो भी आप लोग ऐसे डालते हैं उसका प्रॉपर इवेल्युएशन कर सकते हैं, करते हैं, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए हमारा जो मॉडल ऐसे, ये हमारा देखिए आप क्विज भी हम लोग की चलती है, ये क्विज न केवल हिंदी की चलती है बल्कि जीएस की भी चलती है, करंट अफेयर्स की भी चलती है। करंट अफेयर्स भी हम लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्विज भी ज्वाइन आप लोगों के लिए कंडक्ट कराते हैं। ये देखिए आप जो जैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप आपकी ऐसे की प्रैक्टिस कराई जाती है, जैसे आपको पहले जो है साहित्य और समाज के अंतर संबंध की केवल भूमिका लिखने को दिया गया, तो यहाँ पर देखिए कि उनका जो भी बच्चों की कॉपियां आई उसमें कमियां भी बताकर आप लोगों को, आपकी जो भी अच्छाइयां हैं जो भी कमियां हैं उनको भी बताकर कहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पर आप जो है मतलब ठीक दिशा में जा रहे हैं, ये सभी बातें आप लोगों को समझाई जाती हैं। उसके बाद देखिए कि इसका मॉडल ऐसे भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जो कि वास्तव में अगर ढंग से देखें तो एक जो जो आपके कुछ एक बुक्स हैं जो कि ऐसे की मतलब जहां पर आपको निबंध देखने को मिलते हैं, अगर आप उससे इसको बगल में रख के और कंपेयर कर लेंगे तो मेरा ये दावा है कि इसमें लिखे ऐसे, इसमें लिखे जो निबंध होते हैं ये उन बुक्स से बहुत अच्छे हैं। खासतौर पे अगर हम लोग जो यूपी के लेवल पर जो भी बुक्स आती हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो उनसे ये अच्छे एसेज हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका एक प्रॉपर तरीके से जो चयनित लोग हैं उनके द्वारा ये लिखा जा रहा है और एक निश्चित समय में लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग को केवल अच्छा कंटेंट ही देना है, बल्कि हम लोग को ऐसा कंटेंट देना है जो कि परीक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक रूप से लिखने में उपयोगी भी हो, क्योंकि लोग बुक्स में तो आपको बस वैसा ही निबंध मिलता है जो कि वो लोग अपनी बुक को अच्छा बनाने के लिए लिखते हैं, भले ही वो लोग चार घंटे में लिखें, परंतु यहाँ पर हम लोग ये कोशिश करते हैं हर ऐसे के नीचे आपको उसका टाइम भी दिया रहता है कि एक घंटे में लिखा गया है कि एक घंटे पांच मिनट में लिखा गया है। उसका कारण ही यही है कि हम लोग उसकी व्यावहारिकता की भी जांच करते हैं कि क्या ऐसा ऐसे लिखना संभव है। तो इन सभी को देखिए आप लोग कि एक बेहतरीन हम लोग आपकी तैयारी जो है, समग्र तैयारी आपकी आर ओ आर ओ और बीईओ और आपकी अपर पीसीएस की परीक्षा के लिए करवा रहे हैं। इन समग्र तैयारी में मेरा ये दावा है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपकी निश्चित तौर पे एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकेगी, न केवल प्री की बल्कि मेंस की। आपकी एक जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है वह भी झलेगा, स्वतंत्र चिंतन भी झलकेगा और आप पहले से एक बेहतर मनुष्य की तरफ अपने आप को प्रगतिशील दिशा में पा रहे होंगे, ऐसी मेरे आशा है। और इन सभी का शुल्क कोई भी नहीं रखा गया है, उसका कारण यह है कि हम लोग अभी ऑनलाइन की फील्ड में नए हैं, ऑफलाइन में हमारा अच्छा खासा सेटअप है और सब कुछ चीजें सही चल रही हैं, पर ऑफलाइन की दुनिया में भले ही हमने जो भी सफलता पाई हो, ऑनलाइन की दुनिया में अभी हम लोग नए हैं। और जैसा कि हम लोग को दो महीने में आप लोगों ने प्यार दिया है, लगभग 2000 सब्सक्राइबर्स के संख्या पे हम लोग आ खड़े हुए हैं, तो उससे हम लोग अपने आप को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित और ओजस्वी और आशान्वित महसूस कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ही हम लोग तरह तरह के इनिशिएटिव्स आप लोगों की बेहतरी की दिशा में लेकर आ रहे हैं, जो कि पूर्णतया निःशुल्क हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग हमारे इन इनिशिएटिव से जुड़िए, उसका लाभ लीजिए, यही हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा हमारा पारिश्रमिक मानदेय का काम करेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आएंगी, आप लोगों को इसमें जो भी कमियां समझ में आती हों उसका भी आप लोग हम लोग को अपने हमारे वीडियोज के नीचे उसको कॉमेंट कर सकते हैं। और चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था, एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी आपको जो कि मैंने दे दी है, बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगली महत्वपूर्ण डिस्कशन में, तब तक के लिए नमस्कार।